नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी, जिसे हिंदी में संचार विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, के बारे में जो समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है और किस तरीके से इसकी विशेषताएं हैं, कहां कहां किन किन क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य सभी विज्ञान के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा अन्य सभी क्षेत्रों में इसके किस तरीके से प्रयोग सुनिश्चित हो सकते हैं, तथा उन प्रयोग के माध्यम से उन क्षेत्रों में जो है व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से जो है आसान बनाया जा सकता है। तो हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स वहां पर आउट करते हैं, उस पॉइंट को जो है हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे उस टॉपिक के बारे में एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो मिल जाता है। तो आईसीटी के बारे में भी हम लोग अध्ययन करने से प्रारंभ जब कर रहे हैं तो वहां पे हम कुछ पॉइंट को नोट करेंगे, उन पॉइंट के आधार पर जो है हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है अर्थ। विशेषताएं, इसके क्षेत्र, इससे लाभ, साधन या जो है प्रकार, अभी जब व्याख्या करेंगे तो ये चीजें स्पष्ट होंगी, तथा इसके जो है हानि भी लिख सकते हैं या दुरुपयोग, जो भी आप कह सकते हैं दुरुपयोग। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके अंतर्गत जो है इस टॉपिक को जो है समझने का प्रयास करेंगे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्या अर्थ हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में अगर देखा जाए तो तीन शब्द हैं, सूचना है, संचार है और प्रौद्योगिकी है। तो सूचना को सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपयोग की जाने वाली जानकारी को जो है हम सूचना कहते हैं। यहां पर सूचना को समझने के पूर्व में सूचना और आंकड़े से इस दोनों को जो है अंतर कर लेना भी आवश्यक है कि इन दोनों में जो है अंतर है। सूचना एवं आंकड़ा किसी भी विषय के बारे में अगर कोई बात कहीं पर कही जाए तो वो आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन आंकड़ों में से अपने जरूरी और महत्वपूर्ण जो है आंकड़ों को निकालते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस आंकड़े का प्रयोग करते हैं तो वो आंकड़ा जो है परिष्कृत रूप में जो है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आंकड़ा जो है वो सूचना के पूर्व होता है, और जब उस आंकड़े को संसाधित कर दिया जाता, परिष्कृत कर दिया जाता, प्रोसेस कर दिया जाता है, इसीलिए कंप्यूटर में प्रोसेसर भी लगे होते हैं जो विभिन्न प्रकार से जो है बातों को, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को हमारी जरूरतों के अनुसार जो है प्रोसेस करके हमारे स्क्रीन पर जो है आउटपुट के रूप में दिखाते हैं, जिसका प्रयोग हम विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, तब वो आंकड़ा जो है वो सूचना बन जाता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, तो सूचना बन गया, लेकिन सूचना किसी स्थान पर बन सकता है, हो सकता है उस सूचना का प्रयोग या उपयोग किसी दूसरे स्थान पर हो, तो हमें उन सूचना को भेजना होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम उस सूचना को प्रेषित करते हैं तब वो क्या कहलाता है, तब वो जो है संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और टेक्नोलॉजी, अब तकनीक, सूचना एवं संचार तकनीक, ये पूरे जो है टॉपिक का नाम है। तो सूचना एवं संचार को सुनिश्चित करने के लिए, किसी सूचना के संचार को सुनिश्चित करने के लिए जो भी प्रयोग में लाए जाते हैं डिवाइस, जो भी माध्यम प्रयोग किया जाता है, उन सभी का समुच्चय जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और तकनीक कहलाता है। आधुनिक समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के रूप में मुख्य रूप से जो है कंप्यूटर, इंटरनेट, रिसीवर इत्यादि जो है माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी सूचना के संचार को सुनिश्चित किया जाता है। सूचना यानी कि एक जो है इम्पॉर्टेंट या प्रोसेस्ड फैक्ट हो गया, डेटा हो गया, जब उस डेटा को जरूरतमंद तक जो है पहुंचाया जाता है और वहां पे पहुंच जाता है, तो उस पहुंचने की प्रक्रिया को जो है हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और इनके लिए
पहुंचने की बात को सुनिश्चित करने के लिए जो भी माध्यम प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी तकनीकों को, उन सभी युक्तियों को, या उन सभी जो है महत्वपूर्ण माध्यमों को जिसके द्वारा जो है हम आसानी से जो है उस सूचना को कहीं पर पहुंचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर के जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती हैं, जिसका कि हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, निष्कर्ष के रूप में कहा जाए कि किसी सूचना के संचार को सुनिश्चित करने के लिए, या ये कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण आंकड़े को जो कि सूचना के रूप में होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिन माध्यमों का, जिन डिवाइसेस का, युक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है, उसका समूचे जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो यहाँ पे सूचना और आंकड़े में आप अंतर समझ गए होंगे। आंकड़ा जो होता है एक ग्रुप में होता है, एक समूह होता है, और जब उसका संसाधित कर दिया जाता है, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, तो जो हमें जो है बातें निकल करके जो है आती हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल के सामने आता है, वो सूचना होता है, क्योंकि सूचना का ही जो है हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयोग में लाते हैं। तो सूचना एवं आंकड़े में आपको अंतर हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ हम लोगों ने इस रूप में देखा। अब जैसे विशेषताएं हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है, अब जैसे कोई सूचना है इसका संग्रहण किया जा सकता है, कलेक्शन, प्रेषण किया जा सकता है, सूचना का संग्रहण किया जा सकता है, प्रेषण किया जा सकता है, इसका संसाधन किया जा सकता है, संसाधन का मतलब वही प्रोसेसिंग, और पुनः जो है पुनरुत्पादन भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ में जो है इसकी विशेषताएं हैं द्रुत गति, शुद्धता, ये सारी जो है इसकी विशेषताएं हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है जिन भी सूचनाओं की बात की जाती है उसे जो है प्रेषित किया जाता है, जहाँ पे है भेजा जा रहा है वहाँ उसका संग्रहण किया जा सकता है, पुनः जो है चूंकि एक साथ में काफ़ी कुछ जो है आंकड़े भेजे गए हैं, लेकिन उनमें से सभी आंकड़ों की अगर ज़रूरत नहीं है तो उसका जो है संसाधन भी जो है किया जा सकता है, यानी कि उसको प्रोसेस किया जा सकता है, उसमें से पुनः महत्वपूर्ण सूचनाएँ ज़रूरत के अनुसार निकाली जा सकती हैं, पुनः जो है उसका जो है पुनरुत्पादन किया जा सकता है, यानी कि जो सूचनाएँ जो हैं उसका पुनः उनसे जो है जो आंकड़े हम भेजे हैं उनसे पुनः जो है सूचनाएं बनाई जा सकती हैं। द्रुत गति यानी कि यहाँ पे ये मानकर चलिए कि रियल टाइम इसमें जो है कम्युनिकेशन होता है कि यहाँ से प्रेषित किया गया। आज की डेट में अगर हम सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म की बात करें, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, यहाँ पर भी रियल टाइम ही पहुँचता है। अगर आपके जो माध्यम बहुत ही जो है सशक्त और मजबूत हैं तो आप रियल टाइम सूचनाएँ यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और जो है व्हाट्सएप पर अगर कोई सूचना हम प्रेषित करना चाह रहे हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति टेक्स्ट मैसेज के रूप में कोई सूचना या कोई आंकड़ा भेज रहा है तो वहां पर पहुंचने से पहले ही टाइपिंग दिखाता है कि यह सूचना वहां पर प्रेषित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरीके से यह रियल टाइम होता है या फिर बहुत ही द्रुत गति से होता है, और शुद्धता का तात्पर्य है कि जो इसमें प्रेषित किया जाएगा वही वहां पर पहुंचेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि परंपरागत रूप में जब हम पत्रों के माध्यम से सूचना प्रेषित करते तो आधुनिक युग में सूचना संचार प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी जो शब्द है, टेक्नोलॉजी शब्द है, वही ये चीज बताता है कि सूचना संचार का जो माध्यम था वो पहले कुछ था, अब उसकी जो है तकनीक बदल गई है, उसके तरीके बदल गए हैं, उसके मोड बदल गए हैं, उसमें काफी कुछ जो है नए तरीके की चीजें शामिल की गई हैं, उसको आसान बनाने का प्रयास किया गया है। तो यही सब सारी चीजें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो आती हैं, जो इस रूप में विशेषताओं के रूप में जो है ये व्यक्त होती हैं। अब इसमें क्षेत्र है, इसका क्षेत्र भी जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयोग हो सकता है, स्वास्थ्य है, विज्ञान है, व्यवसाय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विज्ञान है, व्यवसाय है, रक्षा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो
इन सभी क्षेत्रों में, यद्यपि इसके और भी क्षेत्र हो सकते हैं, जहां जहां पर व्यक्ति कोई काम करता है, जहां पर दो लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन की बात होती है, वहां पे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो है वो टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से किसी सूचना के संचार को जो है सुनिश्चित किया जाता है, वहां पे उसकी जो उपादेयता सिद्ध हो सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में इसके जो है व्यापक प्रयोग की संभावनाएं हैं। अभी इसमें किस तरीके से जो है प्रयोग, क्योंकि जो क्षेत्र है लाभ है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं वही उसके जो है लाभ के रूप में भी बताते हैं कि किस तरीके से जो है शिक्षा के क्षेत्र में आज की डेट में जो है एक ऐसा माहौल, आप लोगों को जानकारी है कोविड-19 के दौरान किस तरीके से लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। ऐसी स्थिति में जो है क्लासेस तो पूरी तरीके से बंद थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, कोचिंग संस्थान में जाने की तो बात ही दूर है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ही तेजी से उभर करके जो सामने आए। और दूसरी इसकी बात थी कि जहां व्यक्ति बिना किसी जो है कोचिंग संस्थान में गए महत्वपूर्ण सूचना तक, महत्वपूर्ण जो है क्लासेस तक, टॉपिक तक पहुंच अपनी बना सकता था, वहीं पर जो है यह भी जो है सुनिश्चित हुआ है कि इसके माध्यम से जो है वो किसी एक ही विषय के अलग अलग टीचर से तुलना करके महत्वपूर्ण कंटेंट को जो है पढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके जो मोड में जो है व्यापक स्तर पर शिक्षा में परिवर्तन आया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज की डेट में जो है विभिन्न कोचिंग के स्तर पर जो है पेन ड्राइव कोर्स चलाए जा रहे हैं, पेन ड्राइव कोर्स चलाए जा रहे हैं, यानी कि आप अगर उसका क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, तो आप अपने घर पर बैठ करके उसके माध्यम से आप अपने जो सिस्टम पर उस पेन ड्राइव के द्वारा वहाँ के पूरे क्लासेस को स्वतः देख सकते हैं, उसमें भी फीडबैक के ऑप्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूचना के संचार की जो है तकनीक है उसमें व्यापक परिवर्तन आया है, सरलता आई है और महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है शुद्ध रूप में जो है लोगों तक जो है पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ, प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है पढ़ाई की जा रही है, टेली क्लासेस व्यक्त किए जा रहे हैं। आज की डेट में जो है जूम ऐप पर जो है, गूगल मीट पर भी जो है क्लासेज एक साथ जो है 40 से 50 लोगों के बीच में बैठ करके जो है क्लासेज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है। श्रव्य और दृश्य माध्यम है ये, अगर देखा जाए तो श्रव्य और दृश्य माध्यम है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वन वे सिस्टम नहीं है, जैसे हमारा पेन ड्राइव कोर्स है या यूट्यूब के क्लासेस हैं, तो वो क्लासेस तो वन वे सिस्टम होते हैं कि एक ही तरफ से जो है पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो मीट के रूप में पढ़ाया जा रहा है, चाहे गूगल मीट हो या चाहे जूम पर जो है मीट हो, तो वहाँ पर लोगों में इंट्रैक्शन भी हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स पर अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट को भी जो क्लियर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में ये व्यापक स्तर पर परिवर्तन आया है और इसकी महत्ता को जो है स्वीकार की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन सेवा जो इसके लाभ है, इसके लाभ को ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है टेलीमेडिसिन सेवा जब भी इसके पूर्व में जो है हम लोगों ने पिछले 2 से 3 क्लास से पूर्व में हम लोगों ने करंट अफेयर्स में टेली मेडिसिन जो है सेवा के रूप में जो हमने एक ई संजीवनी जो है कार्यक्रम की बात की थी, जो कि 1.2 करोड़ जो है चिकित्सकीय परामर्श दे करके इस तरीके से टेलीमेडिसिन सेवा के रूप में जो है ये सबसे बड़ा स्थान है, सबसे जो है ज़्यादा लोगों तक जो है चिकित्सकीय सुविधा प्रदान या परामर्श जो है प्रदान करने वाला जो प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम बन गया, क्या नाम है ई संजीवनी। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें भी हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ही जो है माध्यम जो है अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हम दूर दराज के जो पेशेंट से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि कोविड-19 या इस तरीके से ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर लोगों की एक्सेस नहीं है या जो डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनमें जो है ये माध्यम सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसे क्रांति आप कह सकते हैं कि लोगों के पहुँचने वहाँ जाने से पहले ही जो है उनको बगैर गए इस प्रकार की सुविधाएं जो है प्राप्त हो रही हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो है माध्यम से। आज की डेट में लोगों के जांच से संबंधित, विभिन्न प्रकार के डिजीज से संबंधित जो जांच है उसके सैंपल को हम दूसरे जगहों पर भेज रहे हैं, उसकी जांच के बाद उस रिपोर्ट को लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हम उस रिपोर्ट को तत्काल जो है रियल टाइम में यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर प्रयोग है और उसकी उपादेयता है जो कि व्यवहारिक स्तर पर जो दिखाई पड़ रहा है।
विज्ञान के क्षेत्र में भी जो है वही बात है, जो स्वास्थ्य है वो विज्ञान, दोनों आपस में जो है काफी कुछ जुड़े हुए हैं। और एक इसमें क्षेत्र है रक्षा क्षेत्र जो बताया गया है, आज की डेट में जो है बाढ़ क्षेत्र हो गए, या इसी तरीके से जो है अगर हम बॉर्डर लाइन पर देखें तो वहां पर जो है बॉर्डर लाइन के क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है, बहुत संकट जन्य स्थिति होती है। तो वहां पर तकनीक के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति घुसपैठ ना कर पाए। इसमें हम ड्रोन कैमरे का भी जो है उपयोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है जिसका कि कंट्रोल दूरस्थ क्षेत्रों से होता है, और वहां से हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश की सीमाएं जो है सुरक्षित हैं। तो रक्षा क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न टुकड़ियां काम करती हैं अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि हम जो है एक लाइन से जो है नहीं बना सकते हैं बॉर्डर पर अपने सैनिकों को, क्योंकि देश के जो है क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और वहाँ पर बॉर्डर लाइन उसकी बहुत लंबी है। तो एक टुकड़ी के रूप में जो है काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, दूसरे ग्रुप में सूचना भी जो है हम जो प्रेषित करते हैं वो कहीं ना कहीं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक अच्छा जो है माध्यम होता है, जिसके द्वारा जो है हम अपने उस क्षेत्र में जो है पकड़ को, नियंत्रण को जो मजबूत करने में जो है सफल होते हैं। आपदा के क्षेत्र में जैसा कि ड्रोन कैमरे को बताया गया कि आज की क्षेत्र में जो है अगर वो व्यापक क्षेत्र में जो बाढ़ आ गई है, जिसको हम यहाँ पर आपदा लिख सकते हैं, आपदा अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जो आपदा आ गई है, बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, तो वहां पर निश्चित तौर पर हमारे जो वाहन है वहां पर वाहनों के माध्यम से उसका निरीक्षण नहीं हो सकता है। उसकी गंभीरता को देखने समझने के लिए हमें वहाँ पे ड्रोन कैमरे का जो है हम प्रयोग करते हैं। आज की डेट में यह सूचना संचार के जो है एक महत्वपूर्ण जो माध्यम है, जिसके द्वारा हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं उस क्षेत्र में हम अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बेसिकली साइंस टेक का एक पार्ट है। ड्रोन का मतलब मानव रहित युक्ति, जिसे किसी स्थान पर भेज करके वहां से सूचनाएं प्राप्त की जाती है और उस क्षेत्र की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ड्रोन से हमले भी जो है आप लोगों ने जो सुना होगा कि किसी क्षेत्र में, क्योंकि जहां पे जान माल की जो है नुकसान हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है, उस क्षेत्रों में हम मानव रहित युक्तियों को भेजते हैं और इन युक्तियों के माध्यम से उस क्षेत्र में अपने नियंत्रण को जो है मजबूत करते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो वह टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ड्रोन कहलाती है, और आज हम कैमरे के रूप में जो ड्रोन कैमरे का जो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बातें जो है लाभ के क्षेत्र में, क्षेत्रीय असमानताओं को भी जो है हम इसमें कम कर सकते हैं, क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो है ऐसी सूचना है, चाहे वो हमने देखा कि मोबाइल टावर, पहले क्या होता था कि जो है लैंडलाइन फोन के माध्यम से जो है बातें होती थी, उसमें जो है वायर के जो थ्रू हम सूचनाओं को जो प्राप्त करते थे। लेकिन आज के डेट में वायरलेस सूचनाएं, जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, तो दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो टावर के माध्यम से जो है हम उसकी कम्युनिकेशन बना करके उन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय असमानता कहीं ना कहीं भी जो इससे माध्यम से कम हो सकती है। अगर पहले देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि शायद नहीं हो सकता, लेकिन इसके माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करना संभव हो सकता है। और तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है असमानता भी इसमें की बात होती है। तो ये थी कुछ जो है इसके लाभ के जो है माध्यम के, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। आज की डेट में जो बड़ी बड़ी जो मीटिंग वगैरह है, बड़ी बड़ी मीटिंग आज की डेट में कोविड-19 के बाद तो व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग जो है किया जा रहा है, और लोग इसके माध्यम से, इसके पूर्व में जो है G7 की जो बैठक हो तो पूरी तरीके से जो है वर्चुअल मीटिंग हुई थी। आज की डेट में कई मीटिंग जो है वो वैश्विक स्तर के लोगों को कनेक्ट करता है, और व्यावसायिक मुद्दों पर जो बातचीत होती है, तो वो मीटिंग सूचना संचार का जो है एक टेक्नोलॉजी का एक माध्यम है, जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ICT का जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है लाभ और उपायदेयता जो है सिद्ध होती है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा के क्षेत्र में, आपदा के क्षेत्र में हम इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। अगला है साधन या प्रकार। सूचना के जो है पहुंचाने के माध्यम के रूप में, स्रोत के रूप में कई जो है साधनों की जो है चर्चा की जाती है। इसमें श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, और कुछ है जो श्रव्य एवं दृश्य दोनों होते हैं। श्रव्य एवं दृश्य दोनों होते हैं। श्रव्य साधनों में जो है आपका रेडियो है, ऑडियो टेप है, ये सारी चीजें आती है। दृश्य में जो है चित्र है, पोस्टर है, या कोई LED प्रोजेक्टर है जिसमें
आवाज नहीं, वो दृश्य की श्रेणी में आते हैं। श्रव्य और दृश्य में आपका जो है टेलीविजन और सिनेमा, ये सारी चीजें आती हैं जिसके माध्यम से सूचनाएं जो है प्रदर्शित होती हैं या सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक प्रेषित किया जाता है। तो ये से संबंधित भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपको समझना है कि श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य और दृश्य तीन प्रकार से जो है ये अपने माध्यम के रूप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्त किए जाते हैं। अगला है हानि या इसके दुरुपयोग। वास्तव में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो मानव हित को बढ़ावा देने के लिए, मानव के कार्यों को आसान बनाने के लिए किया गया है, लेकिन जब गलत उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है तो उसके दुरुपयोग होते हैं, उसके हानियां सामने निकल के आती है। और जब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए किसी भी लक्ष्य को गलत तरीके से जो है प्राप्त करने का प्रयास करता है या इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, तो वही चीजें जो है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आई है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए किसी भी गोपनीय सूचना तक पहुंच बनाना, किसी सूचना को जो है नष्ट करना, ये सारी चीजें, या कोई आपराधिक गतिविधि को देना, ये सारी चीजें जो है वो साइबर क्राइम की जो है श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें साइबर क्राइम के रूप में होती हैं, तो इसे ये कहा जा सकता है कि इसके दुरुपयोग के रूप में जो है साइबर क्राइम आता है, साइबर क्राइम आता है। दूसरा है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग है मतलब इंटरनेट और विभिन्न डिवाइसेस के माध्यम से जो है किसी व्यक्ति के जो है माइंड को नकारात्मक रूप से जो है तोड़ना, मरोड़ना, प्रभावित करना, डराना, धमकाना इत्यादि को समुचित रूप में जो है अगर कहा जाए तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। आधुनिक समय में स्टूडेंट की जो है पढ़ाई लिखाई और उनके मनोरंजन के साधन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसे समय में साइबर बुलिंग की जो है समस्याएं ज़्यादा सामने आ रही हैं। और इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाया जाना संभव हो सके। तो ये तकनीक जो है कहलाती है साइबर बुलिंग, ये भी कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। गोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना तक जो है पहुंच या गोपनीय सूचना को जो है आउट करना। कई बार जो है रक्षा मंत्रालय हर देश में कार्यरत है, विभिन्न प्रकार के जो है शोध संस्थान हैं जिनकी सूचनाएं गोपनीय होती हैं, सही समय पर सही तरीके से उस सूचना को जो है प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस तरीके के कार्य करने वाले चाहे कोई एजेंसी हो, आतंकवादी संगठन हो या कोई शत्रु देश हो, तो वह सेधमारी करने का प्रयास करते हैं और गोपनीय सूचना जो है लीक हो जाती है। आपने पूर्व में देखा होगा विकिलीक्स की एक जो न्यूज आई थी जिसके माध्यम से भी जो है इस तरीके की गोपनीय सूचना की बात कही गई है। तो ये सब सूचनाएं हैं, ये सब जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है दुरुपयोग की श्रेणी में आती हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति की अपनी गोपनीयता भी भंग होती है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति की समस्त गतिविधियां इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि पर शिफ्ट हुई है। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं व्यक्ति की समस्त सूचनाएं जो है आभासी दुनिया में है, और अगर इस तरीके से कोई प्रयोग किया जाए तो उसके द्वारा जो है व्यक्ति की गोपनीयता को भी जो है भंग किया जाता है या भंग हो जाता है। तो ये सारी जो है गतिविधियां दुरुपयोग के रूप में आती हैं। अगली महत्वपूर्ण चीज है कि आर्थिक या बैंकिंग से संबंधित सूचना। व्यक्ति आज की डेट में लेन देन कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लेन देन के लिए जो है अनुमति प्रदान की गई है, UPI जो है के माध्यम से लोग, भीम ऐप के माध्यम से जो सरकारी व्यवस्था, लेकिन उस पर लोगों की सूचनाएं जाती हैं, वहां पे बैंक के डिटेल्स होते हैं, OTP पिन होते हैं, CVV कोड होता है। तो इन सब के माध्यम से जो है व्यक्ति की गोपनीयता आभासी दुनिया में होती है, और अलग अलग जब हम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उस पर आपके डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति मांगता है, और ऐसे में वो आपके डिवाइस तक जो है पहुंच बनाता है, आपके सूचनाओं को या आर्थिक या बैंकिंग सूचनाओं को वो आउट कर सकता है। तो इन सारी गतिविधियों में अगर देखा जाए तो इसके दुरुपयोग की संभावनाएं विद्यमान होती हैं या दुरुपयोग होता है। तो आने वाले समय में जो भी इस फील्ड में जो है एजेंसियां काम कर रही हैं उनके लिए यह एक जो है दायित्व है, एक जिम्मेदारी है कि वह ऐसे जो सिस्टम को डेवलप करें ताकि इसकी दुरुपयोग की संभावना को रोका जा सके। तो इस तरीके से जो है यह ICT के संदर्भ में एक व्यापक जो है जानकारी थी जिसके माध्यम से एक कॉन्सेप्ट को आपके पास जो है डेवलप करने में जो है प्रयास जो है डेवलप करने का जो है किया गया है। इसके
साथ में जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्दावलियां भी जो है आईसीटी से संबंधित जो है पूछी जाती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो माध्यम से। तो आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई भी काम करते हैं, चाहे बैंक में करते हैं, चाहे इंटरनेट पर करते हैं, तो कुछ शब्दावली आती है, उन शब्दावली को आप जानने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे उससे संबंधित शब्दावलियों के बारे में भी जानकारी हो सकती है। जैसे BOIP, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, URL पूछा गया है, और BSNL, ये सब शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इसी के साथ जो है जब यहाँ पर ये हो जाता है तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड बन जाता है। ये सब शब्द व्यवहार में जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1987 ईस्वी में जो की गई है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा है कि सैटेलाइट जो है संचार में कौन सी फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है, जैसे उपग्रह के माध्यम से जो हम सूचना प्रणाली या जो संचार तंत्र को स्थापित किए गए हैं, तो उसमें जो है जी हर्ट्ज का प्रयोग जो है किया जाता है। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है, के रहेगा, जी रहेगा, पी रहेगा, तो उसमें जो है जी हर्ट्ज का प्रयोग वो सैटेलाइट या उपग्रह के माध्यम से संचार तंत्र जहां स्थापित किया गया वहां पे ये बात सुनिश्चित की जाती है। और सिलिकॉन वैली, ये भी बार बार सवाल परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही सरल है, आपके बंगलौर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, कंप्यूटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान सूचना संचार के लिए जो है यहाँ पे उसको नाम दिया गया है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हैं ही, जो कि सूचना संचार तंत्र के रूप में जो है एक दूसरे के बीच में जो है माध्यम का प्रयोग करते हुए जो है या माध्यम के रूप में जो है सूचना तंत्र को जो है पहुंचाने का काम करता है, तो चार्ल्स बेबेज है। उसकी भाषा के रूप में फॉर्ट्रॉन को जो है सबसे पहली बार फार्मूला ट्रांसलेशन, पहली भाषा जो है उसकी विकसित की गई है जो कि कंप्यूटर पढ़ पाता है। द्विआधारी पद्धति में जो है 0 और 1, यही दो जो है का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर इन्हीं की जो है भाषा को समझता है क्योंकि मशीनी भाषा के रूप में होता है, और सरल भाषा के रूप में जो है सबसे वहां पर बेसिक बेसिक भाषा का प्रयोग है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड यानी बिगनर्स के लिए जो है प्रारंभ किया गया, कोई भाषा बिगनर्स के लिए सबसे आसान और सरल बनाने की कोशिश की जाती है। पहली भाषा जहां फॉर्ट्रॉन है यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन, दूसरा बेसिक है यानी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है इसमें दिया गया है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डेटा का संसाधन भी करता है, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इसके द्वारा जो किया जाता है। तो यहाँ पे सभी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो सबसे बड़ा जाल है उसे ही इंटरनेट कहा जाता है, जिसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ पर सूचनाएं देखने के लिए WWW की वर्ल्ड वाइड वेब का जो प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोज जो है टिम्बरलिस ली के द्वारा किया गया है, टिम्बरलिस ली के द्वारा जो है इसकी खोज जो है WWE की जो है की गई है। अब कुछ चीजें हैं जो कि एक सीक्वेंस में है, और इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत सही तरीके से, जैसे आप डेटा यूज करते हैं तो डेटा 1 TB व्यवहारिक रूप में एक बड़ा जो है इकाई है, या बड़ी जो है स्टोरेज की जो है इकाई है जिसको 1 TB कहा जाता है। इसी में जो है 1 जो है GB GB और 1 MB 1 KB KB और 1 BB, ये चीजें हैं। इसमें जो है 1024 GB, इसमें जो है 1024 MB, इसमें 1024 KB और इसमें जो है 1024 BB और इसमें जो है 8 BB। यहां से सवाल पूछे गए तो यह एक जो है 1024 के जो है अगले गुणक में जो है उसी इकाई को व्यक्त करता है, तो यह एक सीरीज बनती है, बाइट, KB, MB, GB और TB।
तो इस तरीके से आप अगर एक सिस्टम बनाने का प्रयास करेंगे तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं तो यह आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से आप एक सिस्टम देखे होंगे, प्रकाश को ऊर्जा या ऊर्जा को जो है ऊर्जा को प्रकाश में बदलने के लिए आपके पास एलईडी ओएलईडी और अमोलेड, यह जो है एक अगले संस्करण को व्यक्त कर लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो यह सब चीजें हैं जो कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती हैं और अगले जो है संस्करण को या अगले पीढ़ी को व्यक्त करते हैं किसी भी जो है बेसिक इकाई को। तो ये याद करने का तरीका, अगर इस तरीके से आप अन्य चीजों में, यहां पर बहुत ही लिमिटेड चीजें बताई जा सकती हैं आपको दिन प्रतिदिन आपके क्लासेस में, आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में या जिन भी क्षेत्रों में आप देखते हैं उन सभी क्षेत्रों में इस तरीके की चीजों को अगर याद करेंगे तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में धीरे धीरे आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी। अब जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में कर लेते हैं, आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड हो गया। जब कोई भी हम ट्रांजैक्शन जो है जनरेट करते हैं वहां यूटीआर नंबर आता है, जब ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट यूटीआर नंबर होता है और वह एक मात्र अकेले प्रकार का जो है नंबर होता है जो किसी एक जो है ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो है जनरेट होता है, तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, यूटीआर नंबर जिसको कहते हैं। आपके रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस होता है, एक नेफ्ट होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इस तरीके से जो है चीजें हैं जो कि आप व्यवहार में देखते हुए जाएंगे तो उससे संबंधित चीजें आपको याद होती रहेंगी, उससे संबंधित चीजें आपको पूछी जाती हैं तो परीक्षा में आप कर पाएंगे। मोबाइल में आप सिम यूज करते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। इसी तरीके से जो भी चीजें आप व्यवहार में देख रहे हैं उनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें इससे संबंधित जानकारी हो जाती है और आप परीक्षा में जो है जब जाएंगे तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखा और ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से आपकी अन्य जो है जानकारियां इसी से निर्भर हैं, इसी पर निर्भर हैं और इससे संबंधित तैयारी करके आप अपने इस विषय की तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।